हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज था फ्राइडे का दिन भाई। आज हमने मार्केट के अंदर दो ट्रेड किए और दोनों ट्रेड के अंदर आपको बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको अक्सर कहता हूं, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आपके पास ये दो चीज नहीं है तो आप मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप जितना पैसा मार्केट के अंदर लेके आओगे सारा का सारा पैसा आपका जीरो हो जाएगा। पहले आपका 1 लाख का लॉस होगा, फिर आपका 2 लाख का लॉस होगा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो आपका लॉस है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। जिस दिन आपके पास ये दो चीज आ जाएगी ना, तो आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अगर आप लोग अपना पीएनएल जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपने मार्केट से कुछ ना कुछ आपने कमाया है। चाहे 1 लाख कमाया हो, चाहे 2 लाख कमाया हो, चाहे 5 हजार क्यों ना कमाए हो, आपने मार्केट को अपना पैसा दिया नहीं। मार्केट से आपने पैसा निकालने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन शर्त क्या है, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे क्या किया, पहला ट्रेड आज जैसे मैंने लिया भाई, पहला ट्रेड हमारा थोड़ा सा वहां पे गलत हो गया। तो पहले ट्रेड के अंदर हमारा जो लॉस हुआ 8,700 रुपये का हमारा लॉस हुआ। और दोबारा से मैंने क्या किया, अपना मार्केट को एसएल दिया। फिर मैंने वहां पे वेट किया थोड़ा सा, जैसे दोबारा से फिर हमारा सेटअप बनता है तो फटाफट जाके मार्केट के अंदर मैं अपना ट्रेड लेता हूँ और सारा का सारा लॉस मैं रिकवर कर लेता हूँ लाइव मार्केट के अंदर। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है कि भाई मार्केट के अंदर अगर आप कितना लॉस होगा आप दे सकते हो क्या, अगर मेरे माइंड के अंदर आज ये वाली बात होती कि यार मार्केट यहाँ से यार वापस ऊपर जा सकता है, जो भी मेरा 7-8 हज़ार का लॉस है ये मेरा रिकवर हो सकता है। जब बंदे को मार्केट के अंदर लॉस होता है तो उसके माइंड में दो ख्याल आते हैं यहाँ पे, क्या मुझे लॉस में बैठना चाहिए या मुझे स्टॉप लॉस देख के निकल जाना चाहिए। मैं आपको अक्सर कहता हूँ, मार्केट पहले आपकी अंगुली लेगा। अगर आप लोग मार्केट को अंगुली नहीं दोगे, मार्केट फिर आपका हाथ लेगा। अगर आप मार्केट को हाथ भी नहीं दोगे भाई, आपके टापरे बिक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8,700 रुपये का लॉस दिया। दोबारा हमारा सेटअप बना सी साइड का। पहला जो हमारा ट्रेड था वो तो हमारा पी साइड का, और दूसरा हमारा सेटअप बना सी साइड का। और हमने वहाँ पे मोमेंट पकड़ने की कोशिश की और सारा का सारा लॉस हमने रिकवर किया। तो भाई लाइव मार्केट के अंदर भी आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अगर मेरे माइंड के अंदर आज ये वाली बात होती कि यार जो मेरा 7-8 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है ये अभी यहाँ पे कवर हो जाएगा, मैं जो भी माइनस के अंदर अभी मैं वापस यहाँ पे जो मेरा लॉस हो रहा है वो सारा सारा कवर हो जाएगा उसी से हम स्टॉक प्राइस के अंदर, और मैं अपने एसएल के अंदर वहाँ पे बैठा रहता, तो भाई आज शाम होते होते मेरा जो लॉस था यहाँ पे 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये का जो लॉस है वो यहाँ पे हो सकता था। और कई सारे लोग ऐसा लॉस अपना करते हैं। तो आप अभी अभी हम लोग लैपटॉप के ऊपर चलते हैं, हमने कहाँ पे ट्रेड किया, क्या नहीं किया, सारी की सारी चीज़ अभी आपको देखने को मिलने वाली। भाई आप लोग भी यहाँ पे कमेंट करना, आज आपके साथ क्या हुआ, लॉस किया आपने, प्रॉफिट किया, कितना आप आज आपने पैसा गेन किया, सारे लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करना। मार्केट के अंदर हमने दो ट्रेड ली, ये दोनों ट्रेड के अंदर आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखो यार, अक्सर मैं आपको कहता हूँ, अगर जब तक आपके पास ये दो चीज़ नहीं आती, आप मार्केट के अंदर कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। आज भी आप यहीं पे हो, और अगर 1 साल 2 साल भी अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आप मार्केट से 1 सिंगल रुपया आप नहीं कमा पाओगे। अगर आप लोग अपना 1 साल का पीएनएल जाके चेक करोगे, 6 महीने का पीएनएल जाके चेक करोगे, आप हमेशा वहां पे लॉस में रहोगे। मैं सिंगल रुपए की बात करूँ, 1 रुपए की, नॉट फॉर द 1 लाख 2 लाख, आप कभी भी मार्केट से नहीं कमा पाओगे। आप सिंगल डे, एक दिन के अंदर अपना 5 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन आप जब अपने 1 साल का जाके पीएनएल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा भाई आप मार्केट के 2-3 लाख रुपए लॉस के अंदर ही हो। आपने 1 साल के अंदर अपने ट्रेडिंग करके 1 रुपए का जो अर्निंग है वो अभी तक आपने नहीं किया। तो वो दो चीज कौन सी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो, पहले ट्रेड जो आज हमने मार्केट के अंदर लिया, तो वो ट्रेड के अंदर आज हमारा क्या हुआ, 8,907 रुपये का जो लॉस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग आज हमने यहाँ पे 9,000 रुपये का जो लॉस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मेरे माइंड के अंदर यहाँ पे दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन कौन से आए, क्या मुझे लॉस के अंदर बैठना चाहिए, अगर मैं लॉस के अंदर बैठता हूँ क्या भरोसा मार्केट आगे चल के रिवर्स हो जाए, जो भी अभी हमारा 9,000 रुपये का लॉस चल रहा है ये मेरा रिकवर हो सकता है। अगर मैं आज अपने लॉस के अंदर बैठता, अगर मैं आज अपने लॉस को अगर होल्ड करता, तो भाई 1-1.5 घंटे के बाद में जो अभी आपको 9,000 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है ये आगे चल के 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये का मेरा लॉस हो सकता था, क्योंकि जितना कैपिटल मैंने यूज किया था उसका यहाँ पे हाफ हो सकता था, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस को मैंने जहां पे बाय किया था देखते 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 इतनी स्टॉक प्राइस नीचे आ चुके थे, लगभग लगभग मेरा कैपिटल यहाँ पे हाफ हो जाता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने एसएल को वहां पे मार्केट को दिया। और सेकंड कारण, एक अगर आपके पास एक परफेक्ट सेटअप है, तो सेटअप का मतलब क्या होता है, किस चीज को देख के मार्केट में ट्रेड करते हो। अगर आप लोग आंख बंद करके ट्रेड करते हो, कभी आपने सी बाय कर लिया, कभी आपने ई बाय कर लिया, तो यार वो आपके लिए सबसे बड़ी गलती वहां पे होने वाली है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मार्केट के अंदर हमारे ट्रेड को यहाँ पे हमने एसएल लिया, और सेकंड ट्रेड के अंदर जैसे ही हमारा मार्केट के अंदर सेटअप बनता है
सेटअप का मतलब क्या होता है, किस चीज को देख के आप मार्केट में ट्रेड करते हो। अगर आपका सेटअप बन चुका तो आपको जाके फटाफट वहां पे ट्रेड करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड ट्रेड हमने हमारा लिया और ये ट्रेड के अंदर हमारा लगभग लगभग यहाँ पे 9,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 10,000 रुपए का हमने यहाँ पे सिंगल ट्रेड के अंदर हमने प्रॉफिट किया। टोटल प्रॉफिट की बात कीजिए तो 900 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैं अभी मैं आपको इनपो दिखाना चाहूंगा जो हमारा लॉस हुआ था, यहाँ पे देखो, और चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बाइंग कहाँ पे किया, इसको 66 के आसपास हमने इसको बाई, मतलब 67 के आसपास हमने बाई किया, और सेल कहाँ पे किया, 57 के आसपास। आप देखो एसएल मेरा कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पे होता नहीं है, 8-9 पॉइंट का मेरा एसएल होता है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो हमने मार्केट को अपना स्टॉप लॉस दे दिया। और भाई ये स्ट्राइक प्राइस भाई काफी नीचे आई थी। अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ, अगर मैं होल्ड बना के रखता तो आप देख सकते हो 66 के आसपास बाई किया, 27 रुपए के आसपास है, और कैपिटल मैंने कितना यूज किया था, 51,000 के आसपास। तो अगर मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं देता तो आज जो हमारा लॉस था 20,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए का लॉस था वो यहाँ पे हो सकता था। और सेकंड ट्रेड आप देखो जिस ट्रेड के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया यार, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया भाई, 120 के आसपास गई थी। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे और वेट करता तो एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो सकता था। और ये सेम स्टॉक प्राइस के अंदर मैंने दो ट्रेड लिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी यहाँ पे शायद आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं ऑर्डर बुक के अंदर जाके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे एवरेज क्या दिखाई दे रहा आपको, हाँ यहाँ 1800 क्वांटिटी आ गया, मतलब हमने यहाँ पे दो ट्रेड लिया। यहाँ देखो 1800 क्वांटिटी आपको दिखाई दे, 900 900 करके मैंने वहाँ पे दो बार लिया था, तो 74 के आसपास लिया और 79 के आसपास हमने यहाँ पे सेल किया। तो हमें हमने फंड यहाँ पे यूज हुआ हमारा 1,33,000 के आसपास, और प्रॉफिट हमने किया यहाँ पे 1,40,000 के आसपास। तो भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया ये सेम एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस के अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहूँ ब्रोकरेज, अभी कई सारे लोग आते हैं सर इसमें ब्रोकरेज आपको काफी हाई लगा हुआ, तो ब्रोकरेज काफी हाई लगता नहीं, क्योंकि आप चाहे सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करो चाहे किसी भी आप ट्रेड करो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हो भाई ओनली फॉर हमने आज यहाँ पे तीन ट्रेड लिए, ठीक है, तो एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर सेम हमने ट्रेड लिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 501 रुपए का टोटल हमारा यहाँ पे चार्ज लगा है। तो ये सारी चीज आपको समझनी चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, अगर आप बड़े फंड के साथ साथ जाओगे तो बड़ा आपका वहां पे चार्ज वगैरह लगता है, तो ब्रोकरेज आपका ज्यादा नहीं लगता है। और आपको चार्ट के ऊपर मैं भी आपको लेके दिखाना चाहूंगा चार्ट आपको कैसे देखना चाहिए, और हमारा सेटअप आज कहाँ कहाँ पे बना। और अभी मैं थोड़ा सा अगर सी साइड की बात करूँ, अगर मैं थोड़ा वहां पे और वेट करता तो एक अच्छा खासा मैं प्रॉफिट वहां पे और बुक कर सकता था। मैं आपको अक्सर कहता हूँ तो बंद मार्केट हर कोई ज्ञान दे सकता है, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर जो बंदा करके दिखाता है उसकी भाई आपको काबिलियत करनी चाहिए। अब यहाँ देखो यहाँ पे एक हमारा सेटअप बना, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे सी साइड का ट्रेड बना था यहाँ पे, और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। और सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पर ही बना था, ये जो आपको ये जो नीचे जो गिरावट आपको दिखाई दे रही लाल वाली, यहाँ पर भी एक हमारा सेटअप बना था, इसके आसपास एक हमारा सेटअप बना था। और आज भी पूरे मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पे तीन सेटअप से लेके चार सेटअप आज हमारे बने थे, और मैंने यहाँ पे ओनली फॉर एक ही सेटअप के ऊपर काम किया, तो वो सेटअप से हमारा सारा का सारा जो लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो गया। तो भाई सेटअप की कोई गारंटी होती नहीं, लेकिन गारंटी किस चीज की होती है, आपके स्टॉप लॉस की। अगर मार्केट को अगर सही टाइम पे स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हो। और भाई चोर सेटअप का जो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वहां से जाके आप चोर सेटअप देख सकते हो। और कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे भाई सेटअप सेटअप आए, तो नीचे लिंक मिल जाता आपको, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक यहाँ पे जरूर करना, और भाई स्टॉप लॉस आपको जरूर मार्केट में लगाना चाहिए।